नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले और 23वें प्रधानमंत्री होंगे। सदन में संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी आवाम की दुआएं अल्लाह ने कबूल की। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान में नई सुबह शुरू होने वाली है, मुल्क में नया दिन आने वाला है। आईपीएल में टीमों की संख्या 8 से बढ़कर 10 करने के असर इस सीजन में दिखने लगा है। नई टीम की एंट्री से आईपीएल 2022 सीजन ज्यादा रोमांचक और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया। पॉइंट टेबल की बात करें तो इसमें पहला स्थान कोलकाता नाइट राइडर्स का है। वहीं सनराइजर हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर अपना खाता खोल दिया है, जबकि बैंगलोर ने मुंबई को हरा कर तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले के उमिया माता मंदिर में 14वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते देखे गए। उमिया माता का पाटीदार समाज की कुलदेवी माना जाता है। पीएम मोदी ने 2008 में मंदिर ट्रस्ट के करीब कई सुझाव दिए थे। उन्हें मानते हुए ही ट्रस्ट ने सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में अपने दायरे का विस्तार किया है। देश में कोरोना की नई लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र की तरफ से पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर 5 राज्यों को अलर्ट जारी करने का काम किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को जानकारी दी गई कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1054 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,35,271 हो गई है। वहीं संक्रमण से 29 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,685 पर पहुंच गई। कांग्रेस ने पंजाब में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराल राजा वारिंग को पंजाब कांग्रेस प्रमुख पीसीसी नियुक्त किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि रविवार यानी कि 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज उपलब्ध होगी। यानी आज से 18 से ऊपर वाले सभी लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी, यानी इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। भारत के साथ नए व्यापारिक समझौते का जश्न मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डाली है जिसमें वो खिचड़ी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी का पसंदीदा व्यंजन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद कैनबरा कपड़े और चमड़े, गहने और खेल संबंधित उत्पाद जैसे 95% अधिक भारतीय सामानों से अपने बाजार में कर मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करेगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और इसे बंद करवा दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिस पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। राजधानी दिल्ली में स्थित संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने मातृभाषा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को हर स्तर पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे सरकारी कामकाज का क्षेत्र हो या शिक्षा हो या फिर अदालत, सभी जगह मातृभाषा का सम्मान और उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। निकोबार द्वीप समूह में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई जा रही है। हालांकि भूकंप में किसी तरीके की कोई भी क्षति होने की जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 7:02 पर निकोबार द्वीप समूह थर्रा गया। हालांकि भूकंप के केंद्र की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। सोशल मीडिया हैकर्स का जाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में आए दिन बड़ी बड़ी हस्तियां और संस्थानों के ट्विटर अकाउंट हैक हो जा रहे हैं। इस बीच शनिवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। अकाउंट हैक होने का पता उस वक्त चला जब उस अकाउंट पर लगी प्रोफाइल पिक्चर को हटा दिया गया। ट्विटर अकाउंट के हैक होने की पुष्टि मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो उनके एक इंटरव्यू का है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अय्यर बिफर गए। इस वीडियो में इंटरव्यूअर ने मणिशंकर अय्यर से कहा कि आप भी काफी विवादों में रहे कि एक बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान ऑफर करने की बात कही थी। इस पर कांग्रेस नेता गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, मैंने चाय वाले का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। यूक्रेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि जो रूसी सैनिक अब बंद हो चुके हैं चेर्निबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपवर्जन क्षेत्र में तैनात है, वो उच्च स्तर पर विकिरण से संपर्क में थे, इसलिए उनके पास जीने का अधिकतम 1 साल का समय था। चेर्निबिल दुनिया का सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना का स्थल है। 24 फरवरी को मॉस्को के आक्रमण के पहले दिन रूसी सैनिकों पर गिर गया था।
रूस के हमले के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक यूक्रेन पहुंचे। उनके यूक्रेन दौरे के कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जॉनसन कीव की सड़कों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को यूक्रेन की सरकार ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। 2.5 मिनट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जेलेंस्की और जॉनसन स्नाइपर्स और अन्य सुरक्षा के बीच सड़कों पर घूमते हुए देखा जा रहा है। कीव के मुख्य क्रैश्चेटिक सड़क का मैदान स्क्वायर जाते समय दोनों राहगीरों का अभिवादन करते हैं। 6 महीने तक लगातार बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने अप्रैल में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 7,707 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। शेयर बाजार में करेक्शन ने FPI को लिवाली का अच्छा अवसर दिया है, जिसमें इस महीने के शुद्ध खरीदार रहे हैं। मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि FPI प्रवाह को अभी प्रवृत्ति में बदलाव कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड की नाटो देश की नजदीकी भारी पड़ने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब फिनलैंड की संसद को संबोधित कर रहे हैं। तभी फिनलैंड पर साइबर हमला हुआ है। इसके साथ ही हवाई क्षेत्र में भी उल्लंघन का मामला सामने आया है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के पिछले महीने हुए दौरे पर चीन ने भारत को पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना को पीछे हटाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बीते करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव दूर करने के लिए दोनों देश के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के कई दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिल पाया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने बढ़ती LPG की कीमतों का तोड़ निकाला है। संस्थान ने ऐसा स्टोव बनाया है जो सौर ऊर्जा से चलेगा। सोलर पैनल वाला यह स्टोव आपके बजट में रहेगा। जिस टीम ने सोलर स्टोव बनाया है उसकी अगुवाई NIT कालीकट के चेयरमैन प्रोफेसर एस अशोक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन दिनों रंगों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पहले MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर भगवा को कुचलने का आरोप लगाया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के झंडे में शांति गायब है, इसलिए अशांति फैलती है। मध्य प्रदेश की एक जिला ने जया बच्चन को एक जमीनी सौदे के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। भोपाल जिला अदालत ने 7 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिया था और उन्हें 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने के लिए कहा है। पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद बच्चन के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन पर भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त करने के बाद भी भूमि बिक्री सौदा रद्द करने का आरोप लगाया गया है। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर देश भर में फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। उनके फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है, लेकिन रिलीज से ही इस फिल्म ने डंका बजा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने एडवांस टिकट बुकिंग के जरिए ही 10 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए जुल्मों का दर्द और पीड़े की कहानी दिखाते फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। इस फिल्म को देखने के बाद देश भर में लोगों में भावनाओं का सैलाब उमड़ गया है। पहले दिन से ही फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है, जहां 27, 28 और 29वें दिन का कलेक्शन काफी कम रहा, तो वहीं कश्मीर फाइल्स ने 30वें दिन कमाई के मामले में कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर से छलांग मारी है। फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई 30वें दिन की है। निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR ने अपनी रिलीज के 30वें शनिवार यानी 16वें दिन दुनिया भर में कुल कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। फिल्म की कलेक्शन में शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले 80% का उछाल दर्ज किया गया और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा में ऐसी 30वीं फिल्म का स्थान पा लिया जिन्होंने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का कुल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया। फिल्म का हिंदी कलेक्शन भी 250 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच चुका है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर फिर ट्विटर वॉर किया है। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट्स का जवाब दिया। जोशी ने लिखा है कि राजनीति करना हमारी आदत नहीं है, अपनी आपकी फितरत है। केंद्रीय मंत्री जी, आपकी बातों से साबित हो गया है कि आपका कथन असत्य था। आपने ट्वीट किया है कि ERCP प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, जबकि कल आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ERCP के बारे में नहीं कहा एक भी शब्द। यूक्रेन पर हमले के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि उसे रूस को सुरक्षा परिषद से हटाए जाने की उम्मीद नहीं है, जहां वो वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्य है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि मुझे पता है कि इस बारे में ऐसा सवाल पूछा गया है कि क्या रूस को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर कर दिया जाना चाहिए। शेयर बाजार में भले ही उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा हो और विदेशी संकेत कारोबार पर हावी रहे हो, लेकिन बाजार में इन दबाव के बीच भी स्थिरता दिखाई दे और किसी गिरावट पर बाजार में उसी के साथ रिकवरी भी देखने को मिल रही है। बाजार का ये प्रदर्शन अर्थव्यवस्था में मजबूती और कंपनियों के खुद के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए मिल रहा है।
सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल खबर में दावा किया गया है कि सरकार डीजी जल इंडिया वाईफाई नेटवर्क के तहत मोबाइल टावर स्थापित कर रही है। दावे में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर 730 रुपए देने की भी मांग की जा रही है। सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। निजीकरण की चर्चा के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि सरकार की रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेलवे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना होगा और इस दिशा में काम किया जा रहा है। यात्री भी सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर नई टेक्नोलॉजी की उम्मीद कर रहे हैं और इस दिशा में विकास जारी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कुछ कैबिनेट मंत्रियों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखने की मांग की गई है। स्थानीय अखबार द न्यूज़ ने रविवार को यह जानकारी दी। न्यायालय सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। श्री खान के खिलाफ शनिवार रात नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के परिणाम स्वरूप उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर होने और प्रधानमंत्री निवास से निकलने के बाद मौलवी इकबाल हैदर ने यह याचिका दायर की है। विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tpsc.tripura.gov.in के जरिए 4 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सहायक प्रोफेसर के कुल 40 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तारीख से पहले तक आवेदन कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ध्रुव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, सुमन सौरभ, विकास बिहारी, जाकिर अंसारी, निशा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस आईपीएल सीजन में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।